माय चैनल 17th कैफे विद प्रिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी, ओट्स की टिक्की। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए बनाते हैं ओट्स की टिक्की। बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1/2 कप ओट्स लेंगे। इनको हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब रोस्टेड ओट्स में हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए अनियंस, क्रश्ड कैरेट, करी पत्ता, ग्रीन धनिया, 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच दही, 1/2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली, आमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे बाइंडिंग के लिए। इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी बनानी है हमें। अब हम इसकी टिक्कीस बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी ऐसे टिक्की बना ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी टिक्कीस डाल देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। अब इस साइड को भी हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारी गर्मा गर्म ओट्स की टिक्कीस बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप इनको ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं।